हेलो गाइस, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम देखेंगे कि अपनी पर्सनल ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है ईमेल आईडी जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हर जगह पे उसका यूज़ पड़ता है, आजकल ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे उसके लिए, आप आज हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप पे या पीसी के ऊपर कैसे बना सकते हैं उसको। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन कर लीजिए, ठीक है, क्रोम पे। उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पे, दिख रहा है आपको इस साइड पे, ये कर्सर के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, जीमेल, इसको क्लिक करिए। ओके, सो यहाँ पे फिल करते हैं जिनके पास अपनी ईमेल आईडी पहले से बनी होती है, साइन इन करते हैं उसको। बट हमने क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके बाद ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपने लिए बना रहे हैं या फिर बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप करेंगे फॉर माई सेल्फ। अभी आपके पास फॉर्म फिल गया इसका, ठीक है, उसमें आपने जल्दी से अपनी डिटेल को फिल करना है। फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट। अगर लास्ट नेम है कुछ तो उसको फिल करो, अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। यूज़र नेम आपने चूज़ करना है फिर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे। उसके बाद @gmail.com, gmail.com ये फिल कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे पासवर्ड के ऊपर। पासवर्ड का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। इसको बनाते बारे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है और कहीं पे नोट कर लेना है अगर आपको याद ना रहे तो। तो इसमें आपका कंडीशन क्या है, 8 or more कैरेक्टर होने चाहिए विद अ मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल्स, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों हो सकते हैं। तो इसको आप भरेंगे, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, आगे कंफर्मेशन के लिए दोबारा से पासवर्ड टाइप करेंगे। ओके, सो यू कैन नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये भी नहीं है, दैट्स यूज़र नेम इज़ टेकन। तो ये बोल रहा है कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी ले लिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे आपको यूज़र नेम देखना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं। ये भी नहीं है, ओके, ये बता रहा है देखो नीचे कि ये वाला अवेलेबल है। चलो हम इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका, जो भी चीज़ आप ये कर रहे हैं, ठीक है, भर रहे हैं उसको। अपने साथ साथ कहीं पे आपकी पर्सनल डायरी वगैरह के ऊपर नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये कई बार फिर भूल जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है आपका, ठीक है, नेक्स्ट अब कर दीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे अब आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं आप उसको। नेक्स्ट, रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर आपके पास पहले से है कोई तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, फ्यूचर में अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका यूज़ करके भेज सकते हैं। बट आई डोंट थिंक यू नीड टू फिल ऑल दिस, ठीक है। नेक्स्ट चलो फिर, डेट ऑफ बर्थ अब आपने अपनी फिल कर देनी है यहाँ पे, अप्रैल। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ का ये ध्यान रखना कि आपको 13 ईयर से अबव होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। हो गया हमारा
वी आर ऑलमोस्ट डन। ये यहाँ पे जो भी इसके क्राइटेरिया उनको आपने एग्री करना है। सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, डाउन है। और वी आर ऑलमोस्ट डन, बस ये बन गया आपकी जीमेल आईडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑन गूगल के ऊपर बनती है, इसलिए उसको जीमेल बोला जाता है। इसी प्रकार आपकी याहू के ऊपर भी बनती है। ठीक है, याहू डॉट इन करके उसका, और इसकी बनती है @gmail.com। तो ये आपका खुल गया होम पेज। ठीक है, ये देखिए जीमेल इनबॉक्स सेंट मैसेज यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि अपनी जीमेल आईडी को हैंडल कैसे करना है, उसमें मैसेजेस को कंपोज कैसे करना है, भेजना कैसे, किसी को रिसीव कैसे करना है। ठीक है, अटैचमेंट कैसे अटैच करेंगे उसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप के काम का कुछ हुआ हो तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज चिल करो, मज़े करो। थैंक यू।